वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी आज का जो सब व्लॉग है, मैंने स्कूल से आई थी तो मैंने तब शुरू किया और 12 बजने वाले। तो जी मैं स्कूल गई थी आज, यानी कि मुझे ना स्कूल में बहुत मज़ा आता है, यानी कि मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं स्कूल यानी कि छुट्टी कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। तो जी देखें, रात से बादल ही बने हुए हैं और जी मम्मा ने यहाँ पे कपड़े धो के रखे थे तो थोड़ा ऐसे रह गए थे। फिर वो जो उनसी मशीन है, इसका जो सारा रबड़ होता है वो फिर निकल गया था, पता ही ख़राब हो गया था। तो जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कपड़े लटकाए हुए हैं लेकिन धूप नहीं आ रही जिसकी वजह से नहीं सूख रहे, इसलिए मम्मा हमने लटकाए हुए हैं। तो जी आज हम लोग आप लोगों के साथ शुरू करेंगे दिन की रूटीन। तो जी मैं स्कूल से आई तो मम्मा कहती दो अजी बिल आ चुका है, तो मम्मा बहुत परेशानी की हालत में बैठी हुई हैं कि कैसे बिल अदा करेंगे क्योंकि बिल इंतहाई का ज़्यादा आया हुआ। तो जी चलते हैं मम्मा के पास अंदर, मम्मा बहुत परेशान हुई पड़ी हैं, चलते हैं अंदर देखते हैं। तो जी ये देखें जी मम्मा जी, हाँ जी क्या हुआ, कितना आया? माजी बिलों में तो हद ही मुका दी, बस क्या करें। तभी लोग बिल देख देख के खुदकुशी ही कर रहे हैं, वाकई में बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सामने आओ जरा दूर से बिल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बिल तो मम्मा वाकई में बड़े ज्यादा आ रहे हैं। राजी बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। और सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी जिस शहर से भी हमें देखते हैं सुनते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बादशाह रखे, हर दुख तकलीफ और परेशानियों से अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो देश और परदेश से देखते हैं अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास करम, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी आजकल जो ये क़यामत टूट रही है ना बिलों के हवाले से, इन बिलों ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया। ये देखे जी, ये है जी बिल का हाल के बिलों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया लोगों को, बहुत ज़्यादा। मैं कह रही लोग अपने खाने पीने के बारे में इतना नहीं सोचते जितना लोग बेचारे बिलों के बारे में सोचने लगे। जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो जिनका अपना घर नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं, क्योंकि जाहिर बेचारों ने रेंट भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, और ये बिल है ऊपर से ये बिल है जी, रहती कहती कैसा है जो ये निकाल देते। क्या बंदा कमाए क्या खाए, कोई इंसान की ना जिंदगी का कुछ नहीं फायदा। अल्लाह माफ करे, लोग तो बिलों की देख के ही ना कर लिया ना, जब लोग तो बिलों को देख के ही ना खुदकुशी करने लग गए, अल्लाह माफ करे। बस लोग कहते हैं हम कैसे अदा करें, अपनी फीसें बच्चों की अदा करें या घर के रेंट दें या फिर बिल अदा करें, खाने को भी नहीं लोगों के पास। ऐसे ही है दुआ जी, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं और ऊपर से ये बिल बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। हमारा गैस का इतना ज़्यादा पहले आया और अब ये हमारा आ चुका है जी, बिजली का बिल आ चुका है, यानी कि बम फूट चुका है। मम्मा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये जी 15,000 हमारा बिल भी आ चुका है। 15,697 रुपए आ चुके हैं हमारे बिल के। ये देखे जी ये है बिल हमारा, और बिलों ने ना बहुत ज्यादा जलील कर दिया। बस किस किस का मैं आज की न्यूज देख रही थी, काफी लोगों को बहुत ज्यादा बिल आए हैं, हमें हमारे लिए तो ये भी ज्यादा है लेकिन एक आदमी को बेचारे को 8 लाख रुपया बिजली का बिल आया है। पाकिस्तान में रहते हुए उस बेचारे ने जिंदगी में कभी 8 लाख रुपया कमाया नहीं होगा जितना उसे बिल भेज दिया। इस गवर्नमेंट पे तो ना हंसी भी आती है, क्या करे बंदा, हंस ही सकता है, रो रो के तो वैसे इंसान परेशान हो चुके हैं क्योंकि रोना ही रह गया जिंदगी में इंसानों के। कहते हैं वो आदमी कहने लगे कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं हंसूं या रोऊं, 8 लाख रुपए बिल बिजली का जिसके घर में सिर्फ 2 पंखे 2 बल्ब, बस 8 लाख रुपए। हमारे घर में तो बस एक ये वाला बल्ब है और एक ट्यूब है, 2 पंखे हैं बस और एक बाहर है बस, क्या और चलाते हैं कुछ नहीं। तो जी अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम करे जी,
बस ये दुआ कर सकते हैं। बिल ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई एसी चलाया हो, फिर बात हो। अगर कोई हमने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की हो, कोई पंखे ढेर सारे 10 हो जाते हैं किसी के, हमने कुछ भी नहीं, बस 2-3 पंखे 2 बल्ब बस। हाँ जी, पहले तो दुआ जी एसी च भी नहीं सुनती है कि ना बिल आवे, है ना दुआ जी? अरे तो दुआ सुनती है। अगर इस चीज की नौबत आए तो बंदा अपने घर में एक एसी ही ना लगवा ले, अगर बिल इतना ज्यादा ही आना है। गल तो तू सही की थी दुआ जी, उन्हें बारे च सोची है। अगर एसी आ गया ना बेटा तो फिर छत के ऊपर जाके लेटना पड़ेगा। है छत के ऊपर? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बिल ही इतना ज्यादा आ जाना, अगले ने कहना हम छत से पहुंचो, तुसे पखे चलाना, एक बार बिल इतना ज्यादा شدید आ जाए भेज देना ना अगले ने, असि कहेंगे सारा कुछ ही बंद करके असि छत पे जाके लेट दिए, सानू हवा ही चंगी है अल्लाह तआला दी, जड़ी हवा चल रही थोड़ी बहुत आ रही है, समझ गल दी या नहीं? पंजाबी बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी जी मैं दुआ को लेकर आई हूँ स्कूल से, मोमना जी की तो अभी छुट्टियां चल रही है, एंजॉय कर रही है मोमना। मोमना जी गई हुई अपनी दोस्त के घर खेलने के लिए, वैसे मैं बच्चों को बाहर जाने नहीं देती, सामने वाला घर है, उनके बच्चे आए थे लेने के लिए, उनके साथ मोमना गई है, तो अभी आ जाती थोड़ी देर में, जब स्कूल खुल जाएंगे वो भी बिजी हो जाएगी। अभी मोमना और दुआ अकेडमी जाती हैं, अरबी जाती हैं, तो दुआ के लिए भी खाना बनाते हैं, ठीक है? तो जी जब मामा ने बिल की ये नौबत मुझे सुनाई है, मुझे तो उसी वक्त ना शॉर्ट लग गया, मैंने कहा अगर कोई बंदा एसी लगा ले, अगर इतने ज्यादा बिल की नौबत आनी है इतने में तो एसी भी लग जाना, लेकिन क्या नहीं लगवा सकते। यानी कि दुआ के कहने का मतलब ये है कि जितना जितना बिल देते हैं ना, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, इतने पैसों में तो एसी आ जाए एसी और सोलर बस। और दुआ जी अगर उसके बाद जो बिल आना है उसका बंदा क्या करेगा? 1 लाख का बिल से कहेंगे हमने कोई नहीं बिल देना, तो इतना ज्यादा बिल आ रहा है बस। हाँ फिर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, वो मीटर फिर हमारे वो अपने कंधों पे रखेंगे और उठा के ना चलते बनेंगे, वो इंज करेंगे फिर साढ़े में आए समझ। बस क्या करें, आजकल का दौर है ऐसा, सही है। चले जी बनाते, मैं तो टेंशन की वजह से ना इतना ज्यादा बिल आ चुका है, मैं बनाने लगी थी खाना और मैं सारा कुछ छाड़ छिड़ के मैं क्या लगी, मैं तो बिल आया मम्मा ना, मैं तो लेट चुकी हूँ, मैंने तो टेंशन बिल भी इतनी ज्यादा बन गई है ना दुआ जी। बिल आया मामा यानी के ना खाना बना रहे थे, बिल आया अचानक से, मामा ने जाके देखा तो मम्मा अचानक से ही आके बैठ पड़ी, मम्मा कहती ये क्या हो गया, ओले मम्मा मम्मा ये क्या हो गया, आज के बिल ने हाई टैक कर दिया। हाय अल्लाह माफ करे मम्मा, क्या बोल रही हो? हाई टैक अल्लाह माफ करे मम्मा, ऐसे सी नौबत तो ना लो। हाय बिजली वाले हो तुम, अल्लाह पूछे बिजली वाले हो, अभी तो हमने भी पढ़ लिख के उमरा उमरा कर बेचारियां औरतें जो महीने विच थोड़ा बहुत कंजूसी कर दिया ने, ओ बिल वाले अपने बंदे नु भी ना चाहे दस दिया हमने, हैं तो बेचारियां दा इस तरीके ना निकल जांदा। तो जी प्लीज आप लोग भी हमारे लिए 2-4 कमेंट्स तो कर सकते हैं, प्लीज वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, और जो भी आपके दोस्त वगैरह चाची चूची ताया अबू जो भी हैं उन सबको हमारा लिंक दीजिए, ठीक है? और लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना? प्लीज हाँ जी, उन्होंने कहो कि सबा का बिल ज्यादा आ गया ते वीडियो ने चाची चूचियां तक पहुंचाओ इस तरह नहीं मैंने कहा आप सबके जो भी जानने वाले हैं उन सबको ना हमारा जो सा चैनल का लिंक है उन्हें भी कहो कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर कीजिए, ये आप लोगों की वजह से ही हम कार जीत सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी आज ना करवा दूं, आज ना मेरा अगला टॉपिक छेड़न ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, ठीक है जी? ना छेड़ आज का व्लॉग मैं थोड़े सारे लिए ना की बना रही हूं, क्योंकि बिल है जरा मैंने इंजन में चिपका रही हूं। अल्लाह अल्लाह मम्मा ये क्या करने लग गई हो, ये जरा से अल्लाह अल्लाह नहीं ना करते हैं जरूर कर लिया करो, ठीक है? वीडियो मुकम्मल वॉच करो, ठीक है जी?
ते मिलदे हैं थोड़े नाल अगले व्लॉग च। वी प्यारी जी सबन इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखना तुसी सारे, ठीक है, मिलदे अगले व्लॉग च, उदी कर दे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।